नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपीएमएसयू के ईएनटी के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर इसका पैटर्न क्या होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए बात करते हैं। तो इसमें 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे, 2 2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे, और हाफ हाफ नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। इस तरह थ्योरी पेपर कितने देर का होता है, 4 घंटे, वो 40 नंबर का, और इस जिसमें तुम्हें जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे होगा। तो चलिए बात करते हैं 5 नंबर के क्या क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि पहला इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज एएसएम, डिस्क्राइब वेरियस स्टेज ऑफ एएसएम, डिस्क्राइब सिम्टम साइन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ईच केस। तो तुम्हें 5 से 6 पेज लिखना रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी रहेगा, डिस्क्राइब वेरियस कॉज ऑफ द एपिस्टैक्सिस, डिफ्रेंशिएट एंटीरियर एंड पोस्टियर एपिस्टैक्सिस, डिस्क्राइब क्लिनिकल पिक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ द एपिस्टैक्सिस। इसमें तुम्हें 5 से 6 पेज लिखना रहेगा। इसके बाद में तुम्हें 2 2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, उसमें एटलीस्ट तुम्हें आधे से 1 पेज लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्यूएनसी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, पॉलिप्नोज। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, बेल्स पल्स है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, काजेज ऑफ कंडक्टेड डेफनेस एंड टेस्ट डन। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, डिकेनलाइजेशन। एफ क्या है, वोकल नेड्यूल। जी क्या है, स्टाइडर। एच क्या है, एडिनोइड फेसेस। आई क्या है, टॉपिकल थेरेपी ऑफ ईयर। जे क्या है, सी एस एफ राइनोरिया, है ना। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं क्या क्या एमसीक्यू पूछे गए थे। तो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ द मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, है ना। क्वेश्चन नंबर बी क्या है तुम्हारा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ द ग्लू ईयर, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है तुम्हारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग गैडिंगो सिंड्रोम एक्सेप्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, ऑटोटॉक्सिक इमिजन इज प्रोड्यूस बाय द, है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, व्हाट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, देख लो। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है तुम्हारा, स्टीपल साइन सीन इन पीएबी ऑफ द एक्सरे ऑफ द नेक ऑफ द चाइल्ड, स्टाइडिया इंडिकेटेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है तुम्हारा, आ ट्रेकियो स्टेमोइडल पेशेंट इज प्रोटेक्ट एक्सट्रीमिटीज नेक डेवलप सडन कंप्लीट ब्लॉक का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैनेजमेंट, है ना। तो ऑप्शन देख लो। क्वेश्चन नंबर आठ क्या है, रिकेट्स इडिमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लो, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, पेशेंट इज हैविंग कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग, द मोस्ट लाइकली एस एरिया ऑफ सिंक्रोनस सेकेंडरी कार्सिनोमा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, नाइनोलिया क्रोनस इज एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। और हाँ, इस पेपर में जो टिक लगे हैं वो गलत भी हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें कमेंट बॉक्स में सही आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, होलमैन मुलर एंटर साइन इज फीचर ऑफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये एल्डरली डायबिटिक पेशेंट इज लेफ्ट साइडेड और वाइटल सेलुलाइट सिस्ट स्कैन ऑफ पेरिनोडल साइनस शो द एविडेंस ऑफ द लेफ्ट साइडेड मैक्सिलरी साइनेक्टोमी, ग्राम स्टेन स्मियर और वाइटल एक्सुडेट शो इरेगुलरिटी ब्रांचिंग सेप्टे हाइफे, द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली इटियोलॉजिकल एजेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ब्राउन साइन इज सीन इन, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज इन द ऑस्टियो सॉरी ऑटोमाइकोसिस एक्सेप्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी सर्कुलर कैनाल इज पेयर सिनर्जिस्टिकली, है ना। क्वेश्चन नंबर 16
सतह क्या है? राइनोफाइमा इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पॉट्स पपी ट्यूमर इज रिलेटेड टू, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? कॉमन साइट ऑफ सी एस ए प्राइमोरिया इज। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? स्क्विमस सेल कार्सिनोमा मैक्सिला विथ N3N0M0 स्टेजिंग ट्रीटमेंट इज। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फाइनल ईयर के सारे पेपर तुम्हें मिलने वाले हैं। धन्यवाद।